मिहिर भारी कदमों से घर वापस आया और उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब आलिया घर के अंदर है और उसने कर बंगले के पीछे वाले गार्डन में ले गई और मिहिर ने देखा वहां पर एक बर्फ जैसा सफेद रंग का छोटा कुत्ता है। उसकी आंखें काली और बहुत प्यारी हैं और आलिया को देखते ही उस कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और आलिया की तरफ आने लगा। उस कुत्ते को देखकर मिहिर एकदम से बोला, अच्छा तो इसकी आवाज अभी थोड़ी देर पहले सुनी, यही दिखाने लाई हो तुम मुझे यहां पर। वो छोटा सा सफेद कुत्ता दौड़कर आलिया की तरफ आया और आलिया भी अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूते हुए उसके साथ खेल रही है। और मिहिर ने जब उसकी तरफ देखकर ये पूछा तो आलिया ने उसी तरह कुत्ते के साथ खेलते हुए कहा, कितना क्यूट है, हाँ इसी को दिखाने लाई हूं मैं तुम्हें और इसे मैंने आज ही खरीदा है, बताओ कितना क्यूट है ना। मिहिर ने थोड़ी दिलचस्पी से पूछा, मुझे सच में पता नहीं था कि तुम्हें कुत्ते इतने ज्यादा पसंद है। आलिया ने उस कुत्ते के बालों में हाथ लगाते हुए कहा, ओलुलुलुलु इतने ज्यादा भी नहीं पसंद, लेकिन कुछ दिनों से मैं अपने लिए एक पेट लेने की सोच रही थी और मुझे आज ही बहुत पसंद आया तो मैंने इसे खरीद लिया। मिहिर ने भी उस छोटे डॉग के पास आते हुए कहा, हाँ ये सच में बहुत क्यूट है और इसके साथ रहकर तुम्हें बहुत अच्छी कंपनी मिलेगी। आलिया ने खुशी से बताया, वैसे ये सिर्फ दिखने में ही क्यूट है, असल में ये बहुत नॉटी है। तुम्हें नहीं पता लेकिन आज ये मेरे पूरे ऑफिस का राउंड लगा रहा था और हर तरफ कूद कूद कर बिल्कुल गंदा हो गया।
वो तो अच्छा हुआ मेरा क्लासमेट अभिनव मुझे ढूंढते हुए मेरे ऑफिस में आया और फिर हमने इसे साथ में नहलाया। मिहिर ने एकदम से पूछा, क्या मतलब ऑफिस में तुम इस डॉग को नहला रही थी और उसके बारे में ही बात कर रही थी अभिनव से? आलिया उसकी बात पर बोली, हाँ तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, ये सच में बहुत ज्यादा गंदा हो गया था और अभिनव ने ही मुझे इसे नहलाने की सलाह दी, लेकिन मैंने आज से पहले किसी भी डॉग को कभी नहलाया नहीं था इसलिए मैंने अभिनव से हेल्प मांगी, लेकिन उसे तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और वो मुझसे भी ज्यादा अनाड़ी निकला। और फिर इस बदमाश को साफ करने में मेरे भी पूरे कपड़े गीले हो गए। आलिया के इस तरह पूरी बात बोलने पर मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम ऑफिस में इसे नहला रही थी सच में? मिहिर आखिर समझ गया कि उसने वहां पर जो कुछ भी सुना वो आलिया और अभिनव के बीच इस छोटे डॉग को लेकर बात हो रही थी और उसने बिना देखे ही सब कुछ गलत समझ लिया, लेकिन अब उसकी गलत फहमी दूर हो गई। आलिया ने मिहिर के इस तरह इस बात को दोहराने पर कहा, अरे तो क्या हुआ अगर मैंने ऑफिस में अपने छोटे डॉग को नहला दिया? मैं वाकई बॉस हूं और अगर मैं ऐसा करती भी हूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें लग रहा है मेरा ऐसा कुछ करना खास पसंद नहीं आया। मिहिर ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं वाइफी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी, सच में तुम्हारा ऑफिस है, तुम वहां पर कुछ भी कर सकती हो, आखिर हम अपने ऑफिस के बॉस हैं। यह बात बोलते हुए मिहिर इतना ज्यादा खुश है कि उसका खुशी से कूदने का मन कर रहा है। मिहिर को इस तरह एकदम से इतना खुश देखकर आलिया कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिहिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक तो लो साउंड कर रहे थे और अभी एकदम से इतने खुश हो गए, आखिर बात क्या है बताओ मुझे। मिहिर ने अपने एक्साइटमेंट को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, देखो ना एकदम नॉर्मल सी। आलिया ने उसकी बात पर नायकीनी से कहा, ओ शट अप मिहिर, तुम आज नॉर्मल बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। इतना बोलते हुए आलिया ने ऊपर से नीचे तक एक नजर मिहिर को गौर से देखा और मिहिर उसकी तरफ आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, तुम ना सच में मेरी वाइफ ही हो, सब कुछ समझ जाती हो। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारा वो क्लासमेट अभिनव वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए तुम फ्यूचर में उससे दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। आलिया अपना हाथ मिहिर से छुड़वा कर थोड़ा दूर होते हुए बोली, मिहिर मुझे समझ नहीं आता कि तुम उससे इतना जलते क्यों, वो सच में सिर्फ मेरा क्लासमेट है और वैसे तो तुम भी कोई इतने अच्छे इंसान नहीं हो, तो क्या मैं तुमसे भी दूर रहूं? आलिया की इस बात पर मिहिर ने आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें अपने आप से दूर जाने ही नहीं दूंगा। मिहिर की इस बात पर आलिया थोड़ा सा पका गई, क्योंकि उसे मिहिर की तरफ से ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी, और फिर वो थोड़ा सा सोचते हुए बोली, कि क्यों क्यों नहीं जाने दोगे? मिहिर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे क्योंकि तुम मेरी वाइफ ही हो ना। मिहिर की इस बात पर आलिया दोबारा उसी तरह सरप्राइज हो गई और आगे कुछ बोल नहीं पाई। तभी वो छोटा सफेद कुत्ता उन दोनों के बीच में आकर भौंकने लगा। उस छोटे कुत्ते के भौंकने की वजह से मिहिर आलिया दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ से हटकर कुत्ते की तरफ हुआ और आलिया ने अपने आप को मिहिर से छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारी बातें ना इस डॉगी को भी पसंद नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्यों हमेशा इतना जेलस रहते हो सबसे। मिहिर ने भी मुस्कुराकर आलिया को छोड़ दिया और आलिया जल्दी से कुत्ते के पास जाकर उसके साथ खेलने लगी और तभी डॉगी की तरफ देखते हुए आलिया ने कहा, मैंने अब तक इसका कोई नाम नहीं रखा है, चलो अब तुम मेरी हेल्प करो और उसका कोई अच्छा सा नाम रखो ना। ये सुनकर मिहिर भी आलिया के पास आकर बैठ गया और उस छोटे पमेरियन डॉग की तरफ देखते हुए उसके लिए एक नाम सोचने लगा। वो छोटा सफेद रंग का कुत्ता पूरे गार्डन में इधर उधर कूद रहा है और आलिया उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही है। मिहिर ने उस छोटे सफेद डॉग को ध्यान से देखते हुए कहा, ये एकदम बर्फ की तरह सफेद है और साथ ही इतना छोटा और प्यारा भी है, तो क्यों ना हम इसे स्नो व्हाइट कहकर बुलाएं। मिहिर ने जैसे ही कुत्ते का यह नाम रखा, आलिया ने उसकी तरफ थोड़े कंफ्यूजन से देखकर कहा, स्नो व्हाइट, लगता है तुम डिज्नी प्रिंसेस के कुछ ज्यादा ही फैन हो। मिहिर ने कहा, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इस छोटे व्हाइट डॉगी पर स्नो व्हाइट नाम सूट कर रहा है, तो क्यों ना हम इसे लिटिल स्नो व्हाइट कहकर बुलाएं। आलिया ने भी मुस्कुराकर उस छोटे पमेरियन डॉग का नामकरण करते हुए कहा, ठीक है मैं इसे लिटिल स्नो बुलाऊंगी, तुम स्नो व्हाइट बुला लेना। आलिया की बात सुनकर मिहिर ने हां में अपना सिर हिलाया और फिर कुत्ते की तरफ घूमते हुए उसे बुलाया, स्नो व्हाइट
स्नो व्हाइट इधर आओ अपने डैडी के पास। और इतना बोलते हुए मिहिर उस छोटे पमेरियन डॉग को बुलाता हुआ पूरे गार्डन में दौड़ने लगा और वो छोटा कुत्ता भी मिहिर के पीछे पीछे पूरे गार्डन में दौड़ने लगा। मिहिर अब बहुत ही अच्छे मूड में है इसलिए कुत्ते के साथ खेल रहा है, क्योंकि आलिया को लेकर उसके मन में जो भी गलतफहमी आई वो सब अब दूर हो गई है, इसलिए वो बहुत खुश और संतुष्ट है। मिहिर को पूरे गार्डन में इस तरह दौड़ते देख आलिया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर उसे सावधान करते हुए चिल्लाया, मिहिर आराम से, थोड़ा धीरे चलो, इतने बड़े होकर भी तुम डॉगी के साथ छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हो और तुम इसे फिर से गंदा कर दोगे, मैं एक ही दिन में 2 बार उसे नहीं नहला पाऊंगी। आलिया इतना बोल ही रही है तभी वो छोटा कुत्ता उसके ऊपर ही कूद गया और फिर आलिया भी उसके साथ ही खेलने लगी। मिहिर और आलिया कुछ देर तक उस कुत्ते के साथ खेलते रहे और फिर वो दोनों थक गए तो वहीं गार्डन की जमीन पर हाथ पैर फैलाकर लेट गए। और अब वो छोटा डॉगी स्नो व्हाइट भी थक गया है, इसलिए वो भी चुपचाप हांफते हुए उन दोनों के पास ही खड़ा होकर खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा है। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।